बड़ी तेजी से एक बात वायरल हो रही है। रीट का हर विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कि स्टेटस लगाया जा रहा है कि 24 से 26 सितंबर नेट बंद रहेगा और लॉकडाउन रहेगा, 144 लगेगी। भाई क्यों यार, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हो आप? गलत है ये। रीट परीक्षा के दिन राजस्थान में लॉकडाउन, इंटरनेट बंद होने का एक मैसेज वायरल हो रहा है जो बिल्कुल गलत है। अफवाह ना फैलाएं, फेक मैसेज है वो। कल से अब तक 100 से अधिक बच्चों का जवाब दे चुका हूं, गलत स्टेटस शेयर कर रहे हो, गलत है वो। आप एक बार राजस्थान पुलिस का ट्वीट आज न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? न्यूज़पेपर में क्या रहा है, 26 को रीट परीक्षा, सोशल मीडिया पे फॉर्म का दौर है। उदयपुर कलेक्टर उदयपुर में आई है, देखो ये जयपुर के न्यूज़पेपर में उदयपुर कलेक्टर ने क्या कहा, 26 को नेट बंद रहेगा सिर्फ, पुलिस प्रदेश में कोई नेटबंदी नहीं है। पुलिस कह रहा है प्रदेश में कोई नेटबंदी नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। अच्छा, ऐसी अफवाहें यदि कोई फैलाता है, ऐसा काम करता है कि नेट बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, उसके प्रति पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। और ऐसे यदि आप पाया जाता है तो देखो, रीट का पेपर हो या ना हो, इसमें फंस जाओगे, पहले बता रहा हूं मैं। एक तो ये ध्यान रखना है, आप खुद देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज पे भी ट्वीट चल रहा है, देखो जयपुर की पुलिस का ट्वीट हो चुका है, 24 से 26 सितंबर तक संपूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन और इंटरनेट बंद की अफवाहें, से संबंध में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, कृपया ऐसी अफवाहों ना फैलाएं और ना ही ऐसी अफवाहों पर ध्यान दें, अन्यथा अफवाहें फैलाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज पे चल रहा है ना, वो ये ट्वीट है राजस्थान पुलिस का, आपको बता देता हूं मैं, ये देख लो आपके सामने राजस्थान पुलिस का ट्वीट हो रखा है, ये कल का ट्वीट है ये, 24 सितंबर से 26 सितंबर तक संपूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन और इंटरनेट बंद करने के अफवाह संबंध में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, और कृपया ऐसी अफवाहें न फैलाएं और न ही ऐसी अफवाहों पर ध्यान देवे, अन्यथा अफवाहें फैलाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। इसलिए गाइज, रीट के अभ्यर्थियों, मैं आपके लिए आवश्यक सूचना ही लेके आ रहा हूं, आप भ्रमित करने नहीं आ रहा हूं मैं। इसलिए ऐसे स्टेटस जो कल से शेयर हो रहे हैं ना बार बार, मैंने कल 50 बच्चों को मैसेज किया, मैंने इसका प्रूफ है तुम्हारे पास, बोला सर व्हाट्सएप पे आया था, ग्रुप में आया था। तो ग्रुप भाई कोई राजस्थान पुलिस विभाग का नहीं है वो जो आपके पास आ रहे हैं, ऐसे मैसेज बार बार वायरल हो जाते हैं। प्लीज निवेदन है कि आप ऐसा मत करें, ठीक है, धन्यवाद।